तो आ गए सब लोग। तो गाइस यार आज मैं आपको बताऊंगा हमारे बीआर रैंक की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक जो कि हर ग्रैंड मास्टर का जो प्लेयर होता है वो फॉलो करता है ग्रैंड मास्टर जाने के लिए। तो जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों अब हमें बात कर लेनी चाहिए हमारी पहली टिप्स एंड ट्रिक की, जो कि है कि आपने जब भी बीआर रैंक सिलेक्ट करना है तो आपने हमेशा बरमूडा मैप को लेके ही खेलना है। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अल्पाइन और कलारी से मैप को लगा के खेलते हैं और आपने हमेशा अपने मोड में बीआर रैंक को बरमूडा पे सेट करके ही खेलना है। और अगर आपका ऑटोमेटिकली कहीं पर भी लग जाता है, जैसे अल्पाइन लग गया, कलारी लग गया, पोगेट्री लग गया, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली कलेक्शन पैक वाले ऑप्शन पे जाना है और वहां से अपने मैप को जो है डिलीट कर देना है। सिर्फ आपने बरमूडा मैप को रखना है, जिससे क्या होगा आप जैसे ही स्टार्ट करोगे तो आप हमेशा जो है बरमूडा मैप में ही उतरोगे। तो उससे फायदा क्या है, उससे हमें फायदा ये होगा कि हम शुरू से बरमूडा मैप के अंदर खेलते आ रहे हैं तो हमें उसकी हर लोकेशन का हर चीज का पहले से ही पता होगा और हमारे लिए बहुत ज्यादा सिंपल और इजी रहेगा। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं हमारी सेकंड टिप्स एंड ट्रिक के बारे में, जो कि है परफेक्ट लैंडिंग। जी हां गाइस, अगर आप परफेक्ट लैंडिंग नहीं करोगे तो आप उतरते ही एनिमी के हाथ से मर जाओगे। तो बात ही आती है कि हम परफेक्ट लैंडिंग करें कैसे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि आपने लैंड कहाँ करना है। आपने लैंड वहाँ करना है जहाँ पे क्लैश कोड का मैप बनता हो। अब आप लोग बोलोगे कि बीआर के अंदर क्लैश कोड का मैप कहाँ से आया, तो जहाँ जहाँ हमारे क्लैश कोड के मैप बनते हैं, जैसे क्लॉक टावर हो गया, हैंगर हो गया, तो ये एरिया जो है ये क्लैश कोड के मैप में ऐड होते हैं। तो जो लोग क्लैश कोड खेलते हैं वो इन मैप को डिटेल से बिल्कुल जानते होंगे। क्लॉक टावर में कौन सी जगह पे आप छुप के एनिमी को मार सकते हो, कौन सी जगह पे आपने रश करना है, कहाँ पे आपको कवर मिल सकता है, तो आपको एरिया का चप्पा चप्पा पता है, मतलब आपको उस एरिया की हर डिटेल पता है। तो इससे क्या, अगर आपको कोई एनिमी मिल जाता है तो आप उसको उसी एरिया के अंदर बिल्कुल इजीली मार सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी पेट के बारे में, हमने कौन सा पेट यूज करना है बीआर रैंक के लिए। तो आपने फाल्को पेट को यूज करना है, क्योंकि फाल्को जो है वो आपको एनिमी से थोड़ा जल्दी पहले उतार देगा, जिससे आप एनिमी से पहले गन उठा सकते हो और जैसे ही वो उतरेगा तो या तो उसको हवा के अंदर ही नॉकडाउन या खत्म कर सकते हो, या फिर जब वो नीचे उतरेगा उसके पास गन नहीं होगी, आप उसको इजीली मार सकते हो। तो आपने फाल्को पेट यूज करना है बीआर के लिए। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं हमारे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में। तो गाइस आपने क्या करना है, आपने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगाना है एक्टिव स्किल के कैरेक्टर की, जो कि आपको इंस्टेंट एचपी प्रोवाइड करता है हर ईपी पे। फिर आपने यूज करना है पैसिव एबिलिटी मिशा की, जो कि आपको कार या कोई भी आप चीज ड्राइव करोगे तो वो आपको थोड़ी सी फास्ट स्पीड प्रोवाइड करेगी, उसके साथ साथ आपके एनिमी जो है वो आप पे एम लॉक नहीं कर पाएगा, मतलब उसका एम लॉक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, जिससे वो आपको डैमेज नहीं दे पाएगा। उसके बाद आपने यूज करना है राफेल कैरेक्टर को, जो कि आपकी वुड पीकर एसीएटी जैसी गन होगी, लॉन्ग रेंज की गन्स पे वो आपको साइलेंसर प्रोवाइड करेगा। उसके साथ अगर आपने उस गन से किसी को भी नॉकडाउन किया तो वो जल्दी खत्म भी हो जाएगा। फिर आपने यूज करना है मारो कैरेक्टर को, जो कि आप जितनी दूर होगे उससे आपका डबल डैमेज होएगा, जिससे अगर आप अपने एनिमी को लॉन्ग रेंज से मारोगे तो उसको डबल डैमेज प्रोवाइड होगा। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बेस्ट है बीआर रैंक प्लेयर्स के लिए। तो गाइस हम बात कर लेते हैं हमारी पांचवी टिप्स एंड ट्रिक के बारे में, जो कि अवॉइड ओवरलोडिंग एंड अवॉइड कैंपिंग। तो पहले हम बात कर रहे थे हमारी कैंपिंग के बारे में। तो पहले के टाइम में क्या था कि हम जो है पहले तो कैंपिंग करते थे, उसके बाद लास्ट जोन में जाके जब पांच छह बंदे बचते थे फिर हम फाइट लेते थे, जिसमें हम दो बंदे ही मार लेते थे, हमारा अच्छा प्लस होता था। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो गया है कि हम जो है कैंपिंग करके लास्ट जोन तक जाके अगर दो किल भी करते हैं तो भी हमें इतना प्लस नहीं मिलता है। तो आपने कैंपिंग नहीं करनी है, आपने जी जान लगाए किल्स करने और आपने जो है लास्ट जोन तक जाना भी है, मतलब आपने कैंपिंग नहीं करनी है, आपने किल्स भी करने और आपको लास्ट जोन तक पहुंचना भी है, मतलब आपको लास्ट तक टिके रहना है। तो ये बीआर थोड़ा टफ हो गया है। तो अब बात कर रहे थे ओवर लूटिंग के बारे में। तो हमारे बहुत सारे टीममेट्स ऐसे होते हैं कि वो लूट के पीछे पड़ जाते हैं और वो लास्ट तक लूट ही करते रहते हैं, मतलब उन लोगों को काम ही नहीं होता, मतलब वो लूट में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनके बराबर से एनिमी चलाया था लेकिन उनको नजर नहीं आता। तो आपने ओवर लूट नहीं करनी है, आपने बस सिंपल सी लूट करनी है, जहाँ पे आपके पास हमारी गन्स होनी चाहिए, उनकी एमओ होनी चाहिए, मेडिकेट होनी चाहिए, ग्लू बॉल्स और कुछ ग्रेनेड्स होने चाहिए। आपको ओवर लूट के पीछे नहीं भागना कि आप जहां गए वहां आप लूट करना शुरू हो गए, फिर आपने अच्छी सी लूट करनी है, उसके बाद आपने जो है फाइट लेनी है। फिर आपने लूट के पीछे नहीं भागना कि आपने एक बंदा उड़ाया और आप फटाफट भागते हुए गए उसकी लूट करने और आपको किसी और ने मार दिया, तो आपने ओवर लूट नहीं करनी, उससे आपका ध्यान जो है वो बढ़ जाएगा और आपको एनिमी मार देगा। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट जोन के बारे में। तो जब एंड जोन आता है और हमारा एनिमी ग्लू वॉल के पीछे होता है तो आपने क्या करना है, उस टाइम आपने ग्रेनेड्स का यूज करना है। तो ग्रेनेड से क्या होगा कि आपके एनिमी को डैमेज भी मिलेगा और वो अपना कवर छोड़ के बाहर भी आएगा, जिससे आप उसको इजीली हेडशॉट या बॉडी शॉट मार के खत्म कर सकते हो। और आपसे जितना हो सके आपने एनिमी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना है, क्योंकि आपका एनिमी जो है पहले लास्ट जोन के अंदर जाके बैठ चुका होता है और जब आप जाओगे तो वो कोशिश करेगा कि आप जो इसके शॉर्ट रेंज में आओ, तो आपने उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है और कोशिश करनी है कि वो ना दूर हो सके उतनी दूर से मर जाए। तो बस गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे मेरी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।